ने वहां ज्ञान प्रदान किया और इसीलिए हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता है कि अगर उस कुंड में स्नान कर लिया जाए तो सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और काशी तो भूमि ही वैसी है, चाहे पूरा का पूरा कुरान पढ़ के आप देख लें, या उनकी कोई हदीस देख लें, या उनकी अरबी फारसी की उर्दू की डिक्शनरी उठा के देख लें, कहीं भी आपको ज्ञान वापी शब्द नहीं मिलेगा। इससे अपने आप सिद्ध हो जाता है कि वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताब है छपी हुई स्कंद पुराण, उसका पेज नंबर 801 खोलिए, पेज नंबर 804 खोलिए और पृष्ठ नंबर 869 खोल लीजिए। उसमें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ज्ञानवापी का प्राकट्य कैसे हुआ। और तो और पंचकोशीय परिक्रमा जो ग्रंथ है उसके अंदर ज्ञानवापी मंदिर के अगल बगल के सारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के मकानों के नंबर 19 नंबर तक मकान नंबर सारे दिए हुए हैं। आकृतियां जो निकली है वो सारी की सारी हिंदू धर्म के मंदिरों से मेल खाती हैं। उन खंभों पर टिका हुआ है ये सारा का सारा मस्जिद। तो इसका मतलब मस्जिद ऊपर से बनाई गई है। बड़ी अदालतों को भी फैसला देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। और सच्चाई तो सामने है। और मुसलमानों को बड़े प्यार से कहना चाहिए कि ये ठीक है, गलती हो गई हमसे, हम करते आए, वजू करते आए आपके शिवलिंग पे जो नहीं करना चाहिए था। नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। अयोध्या के बाद देश भर में ज्ञानवापी की चर्चा हो रही है। ज्ञानवापी में इस बार पूजा अर्चना करने का काम भी हुआ है। ज्ञानवापी पे चर्चा करने के लिए जीडी न्यूज के साथ दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी साथ हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, ज्ञानवापी के संबंध में जानेंगे, समझेंगे कि वहां पे किस तरह का मामला है, कैसे अब मस्जिद का स्वरूप दिया गया, कैसे अब मंदिर की चर्चा है, मंदिर की बात वहां पे हो रही है। महामंडलेश्वर जी, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, ईश्वर और आगे बढ़ाए। आचार्य जी, हम बात करें ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी में जय भगवान भोलेनाथ काफी समय से अपनी मुक्ति की इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, मुक्त कैसे होंगे भगवान भोलेनाथ वहां पे? भगवान भोलेनाथ को कैद कौन कर सकता है? कोई भी तो नहीं। ये सब उनकी लीला है। पहले तो ज्ञानवापी शब्द का मैं आपको अर्थ बता दूं। ज्ञान जिसे कहते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अविद्या से विद्या की ओर ले जाने वाला, वो होता है ज्ञान। और वापी कहते हैं कुंड को। कुंड को तालाब भी कह सकते हैं आप, कुंड को कुआं भी कह सकते हैं, यानी ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कुंड। और ज्ञान कहते हैं भगवान शिव को भी। शिव ने वहां ज्ञान प्रदान किया और इसीलिए हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता है कि अगर उस कुंड में स्नान कर लिया जाए तो सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और काशी तो भूमि ही वैसी है। किसी भी मुस्लिम ग्रंथ में, चाहे पूरा का पूरा कुरान पढ़ के आप देख लें, या उनकी कोई हदीस देख लें, या उनकी अरबी फारसी की उर्दू की डिक्शनरी उठा के देख लें, कहीं भी आपको ज्ञान वापी शब्द नहीं मिलेगा। ज्ञान वापी संस्कृत का शब्द है। तो ज्ञान वापी, इससे अपने आप सिद्ध हो जाता है कि वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। आपने इस्लाम को टारगेट किया है, बोला है कि जो है उसमें किसी भी तरह का कोई ग्रंथ उनके पास अगर हो उसमें ज्ञान वापी नहीं मिलेगा, लेकिन क्या हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ज्ञानवापी शब्द का उल्लेख किया गया था? किस किस से का किया गया? बिल्कुल, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताब है छपी हुई स्कंद पुराण, उसका पेज नंबर 801 खोलिए, पेज नंबर 804 खोलिए और पृष्ठ नंबर 869 खोल लीजिए। उसमें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ज्ञानवापी का प्राकट्य कैसे हुआ। ज्ञानवापी शब्द बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। हमारे पुराण जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, जब उनमें इनका हजारों वर्ष पहले वर्णन आ चुका है। मराठी के जो विष्णु पुराण है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। और तो और पंचकोशीय परिक्रमा जो ग्रंथ है उसके अंदर ज्ञानवापी मंदिर के
अगल बगल के सारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के मकानों के नंबर 19 नंबर तक मकान नंबर सारे दिए हुए हैं और उनकी दिशाएं तक दे रखी हैं। तो इससे तो ये सिद्ध यही हुआ ना कि हमारे ग्रंथ जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और उनके ग्रंथों में ना होना इस बात का सबूत है कि वहां पर कोई मस्जिद पहले नहीं थी, पहले मंदिर ही था। क्या कारण रहा होगा जहाँ ज्ञान की व्यापकता रही हो, विदेशी आक्रांताओं ने उसको धराशायी करने का कार्य किया हो, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कार्य किया हो, क्या वजह रही होगी उस समय? देखिए उस समय जो औरंगजेब था उसने ये फैसला लिया कि हिंदू धर्म के अगर इस केंद्र को नष्ट कर दिया जाए जहां पर सबसे ज्यादा ब्राह्मणत्व है तो पूरे भारतवर्ष पर साम्राज्य कब्जा किया जा सकता है। इसलिए उसने आदेश दिया कि इस मंदिर को ध्वस्त कर दो, काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दो। 1669 में इसे ध्वस्त किया गया और उसके बाद जब उसे पता चला कि कोई शिवलिंग जिसकी लोग पूजा करते हैं वो शिवलिंग कुंड में फेंक दिया गया है, उसने बोला इसे पाट दो, पूरा का पूरा भर दिया गया, मलबे से भर दिया गया। और उसके बाद भी आज भी हिंदू उसकी पूजा करते हैं। ठीक है कि 1669 में ये सारी घटना घट गई लेकिन जमीन किसकी थी? कोई भी मंदिर आज भी आप देख लें, भूलेखों में देखें, कोई भी मंदिर भगवान शिव का होगा तो उस पर यही लिखा रहता है, खसरा खतौनी में ये लिखा रहता है कि इसके मालिक अधिष्ठाता जो है भगवान शिव है और बाकी सब उसके केयर टेकर यानी न्यासी होते हैं, ट्रस्टी होते हैं। तो वो मंदिर पहले भी भगवान शिव का था, आज भी है, ज्ञान वापी मंदिर है, क्योंकि सारे के सारे सबूत अभी जो पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण किया, खंभे निकले वहां पे, वहां पर उस पर त्रिशूल, ओम, भारतीय संस्कृति की हिंदू धर्म के सारे धर्मों की आकृतियां जो निकली हैं वो सारी की सारी हिंदू धर्म के मंदिरों से मेल खाती हैं, खंभों पर, उन खंभों पर टिका हुआ है ये सारा का सारा मस्जिद। तो इसका मतलब मस्जिद ऊपर से बनाई गई है, ऊपर से बनाई गई मस्जिद है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मस्जिद वैध नहीं है। अब आप पूछेंगे वैध क्यों नहीं है? अरे मुस्लिम कानून के अनुसार चार जगह की मस्जिद वैध मानी जाती है। पहली, समतल जमीन पे हो, जमीन खरीदी गई हो या किसी ने जमीन दान में दी गई हो, और किसी पुराने ढांचे पर, अगर किसी भी पुराने मंदिर पर अगर कोई मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है तो वो मुस्लिम कानून के मुताबिक वहां की मस्जिद अल्लाह भी कबूल नहीं करता है। अल्लाह कबूल नहीं करता है अगर उस तरीके से, वैध तरीके से नहीं बनाई जाती है। लेकिन अभी आपने जिन चिन्हों की बात की है उनमें डमरू मिला है, शंख मिला है, स्वास्तिक मिला है, क्या इनका इस्लाम से भी कोई वास्ता रहा है? नहीं रहा तो वहां पे मस्जिद को निर्माण का कोई प्रयास कैसे किया गया निर्माण करने का? उस समय औरंगजेब ने किया, उस समय औरंगजेब ने किया ना, क्योंकि वो कट्टर मुस्लिम था, वो चाहता था कि, आक्रांता था कि सारी जगह, सारा शासन जो होना चाहिए वो सब जगह मुस्लिम धर्म होना चाहिए, मुगल आक्रांता था। तो उसने उस समय किया। अब उस समय कभी ऐसा होता है कि कई बार देवता भी कमजोर पड़ जाते हैं और असुर जो है वो काफी मजबूत होके, ताकत बन के, एक शक्ति बन के उभर के आ जाते हैं। कई बार इंद्र भी हारे असुरों से, इंद्र भी हारे, देवताओं के राजा हारे, तो सारे देवता भी हार गए, ऐसा होता रहा है। ये दो युद्ध चलते ही रहते हैं, असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध चलते रहते हैं, कभी कोई हारता है तो कभी कोई जीतता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय हिंदू लोग हार गए और मस्जिद के ऊपर एक मंदिर, यानी मंदिर के ऊपर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, मंदिर बना तोड़ दिया गया। अदालत के फैसले के बाद जिस तरह फैसला मंदिर के पक्ष में आया, मंदिर होने की बात कही गई है, क्या अपर की अदालतों में आप उम्मीद रखते हैं या इस तरह की आपको अपेक्षा है कि अपर की अदालतें भी इस तरह का फैसला देने का कार्य होगा कि वहां पे मंदिर स्थापित हो सके, पुण्य दोबारा से बनाया जा सके? देना ही चाहिए, बड़ी अदालतों को भी फैसला देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। और सच्चाई तो सामने है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी सर्वेक्षण विभाग कोई मेरा अपना विभाग थोड़ी ना है या सरकार का उसमें हाथ थोड़ी ना है, वो तो स्वतंत्र कार्य कर रहा है, उन्होंने खुदाई में जो निकला है, और उस समय मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद थे, वो लोग भी साथ में थे जब खुदाई हुई है, तो उनके सामने ही तो सब कुछ निकला है। तो सच्चाई का साथ हाईकोर्ट को भी देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी देना चाहिए, और हम तो ये कहेंगे कि मुसलमानों को भी देना चाहिए, और मुसलमानों को बड़े प्यार से कहना चाहिए कि ये ठीक है, गलती हो गई हमसे, हम करते आए, वजू करते आए आपके शिवलिंग पे,
जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है ये आपकी जमीन है आप वापिस ले लें, आपका मंदिर है आप वापिस ले लें, भाईचारा भी बना रहेगा और आपस में कोई क्लेश भी नहीं होगा, कोई झगड़ा भी नहीं होगा। केवल एक ज्ञान व्यापी के लिए मुस्लिम बोले या तमाम मस्जिद जितने जहाँ जहाँ बनी हुई है गुम्बदों को तोड़ के या मंदिर के शिखर को तोड़ के बनी है उन सब के लिए मुसलमानों से आपकी अपील इस तरह की, वो बोले कि भैया आप बना लीजिए या आपका है ये रख लीजिएगा। देखिए चाहिए तो यही कि हम एक देश में रहते हैं, सभी का विकास साथ साथ होता है। मान लीजिए मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए हैं लेकिन वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी जीत कर आए हैं तो पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई सड़क बनती है तो उस पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, ईसाई भी चलता है। ये नहीं होता कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले उस सड़क पर चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। राशन मिलता है तो सबको बराबर मिलता है, और अगर स्वास्थ्य के लिए कोई योजना आती है, किसी भी तरह की कोई योजना आती है तो सिर्फ खाली भारतीय जनता पार्टी वाले के नहीं आती है, सारी जनता के लिए आती है, उसमें मुसलमान भी आते हैं। जब हम उसका उपभोग करते हैं तो हम इस देश के वासी हो जाते हैं, और हमें चाहिए कि देश के प्रति पूरी निष्ठा रखनी, आपस में भाईचारा रखना और देश के अंदर किसी तरह का भी ऐसा माहौल या वातावरण पैदा नहीं करना जिससे लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि खून को जमीन पे मत बहाओ, लड़ाइयों में मत बहाओ, जातीयता में मत बहाओ, धर्म के नाम पर मत बहाओ, और साथ ही साथ क्षेत्रीयता के नाम पर मत बहाओ, इसे नाड़ियों में बहने दो, खून को दान करो तो किसी की जान बचा के देखो ना, मजा आता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।